नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालवीय बात कर रहा हूँ कक्षा 12 के इतिहास की। एनसीईआरटी की 12 क्लास हो चुकी है, 13वीं क्लास आज पढ़ने वाले हैं। और हम पहले पढ़ चुके थे इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रसिद्ध की रचना किसने की थी, हरिश्चंद्र ने की थी। बहुत सी बार पूछा गया प्रश्न, इसको इंपॉर्टेंट लिख ले। और ये शक्तिशाली शासक समुद्रगुप्त के राज कवि थे, इन्होंने प्रयाग प्रसिद्ध की रचना संस्कृत भाषा में की थी। ये बलुआ पत्थर से बनी कुशाण राजा की मूर्ति दे रखी, पत्थर की बनी हुई। और समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में बता रखा, उसके बारे में बात करते हैं। प्रयाग प्रशस्ति का एक अंश है, धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। प्रतिद्वंदी यानी समुद्रगुप्त के बराबर कोई शत्रु नहीं है, उनकी बराबरी करने वाला। अनेक गुणों और शुभ कार्यों के संपन्न, उनमें अनेक सारे गुण हैं और शुभ कार्यों के संपन्न, उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं को यश को मिटा दिया है। यानी इन्होंने सभी राजाओं को पराजित करके ये विजेता बन गए। परमात्मा पुरुष है, साधु भले, समृद्धि और असाधु बुरे के विनाश के कारण है। वे अज्ञ हैं यानी जिनको आज तक कोई जान नहीं पाया हो, उनको कोमल हृदय को भक्ति और विनय से भस्म किया जा सकता है। यानी समुद्रगुप्त जैसे राजाओं को भक्ति और विनय से भस्म किया जाता है, किया जा सकता है, बल से नहीं। वे करुणा से भरे हुए हैं, वे अनेक सहस्त्र गायों के दाता है, यानी इन्होंने बहुत सारी गायों का दान दिया है। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, विरणियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई है। यानी उन्होंने दीन दुखियों के लिए काफ़ी सारी उद्धार करने की यानी उनकी व्यवस्था की है। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति, वे देवताओं में, यानी यहाँ सिर्फ आपके प्रश्न बनता है कि समुद्रगुप्त किसके बराबर बता रखा है, तो देवताओं में कुबेर के देवता, धन के देवता के बराबर, वरुण देवता यानी समुद्र देव के बराबर, इंद्र देव यानी वर्षा के देवता, और यम देवता यानी मृत्यु के देवता के तुल्य समुद्रगुप्त को बताया गया है। किसमें बताया गया है? प्रयाग प्रशस्ति में। आगे बात करते हैं। बदलता हुआ देहात, यानी देहात का मतलब था ग्रामीण इलाका। जनता में राजा की छवि कैसी थी, राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी। स्वाभाविक है कि अभिलेखों में सभी जवाब नहीं मिलते हैं। वस्तुतः साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचार और अनुभव के विवरण कम ही छोड़े गए, फिर भी इतिहासकारों ने इसका निराकरण करने का प्रयास किया। उदाहरण के तौर पर जातक कथा है। जातक कथा का मतलब होता है कई सुनी हुई बातें। और पंचतंत्र जो विष्णुदत्त शर्मा की जो किताब है पंचतंत्र, उसमें वर्णित है। कथाओं की समीक्षा करके इतिहासकारों ने पता लगाया कि इनमें से अनेक कथाओं के स्रोत मौखिक किस्से कहानियाँ हैं, यानी कही गई एक दूसरे को सुनाई गई कहानियाँ हैं, जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया यानी लिखा गया। जातक कथा एक कब लिखी गई, यहाँ से प्रश्न बनता है आपके। तो जातक कथाएं पहली सहस्त्राब्दी यानी पहली शताब्दी के मध्य में कौन सी भाषा में लिखी गई जातक कथा है, तो पाली भाषा में लिखी गई। आगे बात करेंगे। गंत तिंदु नामक एक कहानी में बताया गया है कि कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार दुखी रहती है। इन लोगों में वृद्ध महिलाएं, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण, बालक और यहाँ तक के जानवर भी शामिल है। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में पता लगाने के लिए कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो एक एक कर सबने अपने दुखों के लिए राजा को भला बुरा कहा। यानी राजा जब शासन करता था तो उसको पता नहीं चलता कि जनता उसके बारे में क्या सोचती है, वो भला का काम कर रहा है, बुराई का कर रहा है। तो एक दिन राजा ने भेष बदल के वो गांव में गया और गांव में जाने के बाद उसे पता चला कि वो बहुत ही बुरा काम कर रहा है, यानी जनता उसके बारे में भला बुरा कहती है। उनकी शिकायत थी कि रात में डकैत उन पर हमला करते हैं, यानी गांव वाले लोगों पर डकैत यानी डाकू हमला करते हैं रात में। तो दिन में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी, यानी दिन में राजा के कर्मचारी कर इकट्ठा करते हैं, मतलब गांव वाले दोनों से परेशान थे, राजा से और डाकू से। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए लोग अपने गाँव छोड़कर जंगल में बस गए। यानी गाँव छोड़ के जंगल में बसने का कारण था कि जंगल में डाकू नहीं आ सकते थे। दूसरी चीज़ ये थी कि उनको राजा को टैक्स नहीं देना पड़ता, यानी कर नहीं देना पड़ता था। जैसा कि इस कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच में संबंध तनावपूर्ण रहते थे, क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर की मांग करते थे। यानी उत्पादन नहीं होता था फिर भी टैक्स यानी कर राजा के द्वारा वसूल किया जाता था और जनता इससे परेशान होती थी। वो दोनों के बीच में तनावपूर्ण माहौल रहता था, जिससे खासतौर पर किसान त्रस्त रहते थे। इस जातक कथा से पता चलता है कि संकट से बचने का एक ही उपाय था कि गाँव के जो लोग थे, किसान थे, वो जंगल की तरफ भाग जाते थे। इसी बीच करों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के और भी उपाय ढूंढने शुरू किए। यानी दो तरीके थे, या तो टैक्स चुका जाए या फिर जंगल में भाग जाया जाए, या फिर एक और नया तरीका इन्होंने ढूंढने का प्रयास किया कि उत्पादन अधिक किया जाए, जिसकी वजह से टैक्स भी दिया जाए और गाँव भी नहीं छोड़ना पड़े। आगे बात करते हैं उपज बढ़ा। एक विवरण दे रखा है गुजरात सुदर्शन झील का मानचित्र में गिरना। ये गिरनार जो वर्तमान में गुजरात के अंदर है। सुदर्शन झील एक कृत्रिम झील, यानी मानव द्वारा निर्मित है। हमें इसका ज्ञान लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी के संस्कृत के पाषाण अभिलेख से होता है। यानी सुदर्शन झील के बारे में संस्कृत भाषा में पाषाण अभिलेख यानी पत्थर के अभिलेख पे जानकारी लिखी गई। इस अभिलेख से शक शासक रुद्रदामन की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। यानी शक शासक हुआ था रुद्रदामन, उसकी उपलब्धियों का विवरण सुदर्शन झील के ऊपर पाषाण अभिलेख से मिलता है, यानी जिसने इसको बनवाया था।
इस अभिलेख में कहा गया है कि जल द्वारों और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था। यानी यहाँ से आपके प्रश्न बनता है कि सुदर्शन झील का निर्माण कब किया गया था, तो मौर्य काल में किया गया था और किसने किया था, राज्यपाल द्वारा किया गया था। लेकिन एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए और सारा पानी बह गया। बताया जाता है कि तत्कालीन शासक रुद्र दामन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चे से करवाई थी। यानी रुद्र दामन जो शासक था उन्होंने इस झील की मरम्मत करवाई थी। यानी बताया जाता है कि तत्कालीन शासक रुद्र दामन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चे से करवाई थी। यानी रुद्र दामन जो शासक था उन्होंने इस झील की मरम्मत करवाई थी। यानी इसके तूफान से तट टूट गए थे तटबंध, उनको रुद्र दामन ने इसके लिए अपनी प्रजा से भी कर नहीं लिया, यानी अपनी प्रजा से कर नहीं लिया और स्वयं के खर्चे से उसको मरम्मत करवाया। इस पाषाण खंड पर एक अभिलेख लगभग 5वीं सदी का है, जिसमें कहा गया है कि गुप्त वंश के शासक ने एक बार फिर इस झील की मरम्मत करवाई थी। यानी इस झील की मरम्मत अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग समय पर करवाई थी। यहाँ से प्रश्न बनता है, इसको इम्पोर्टेंट लगा ले और लिख ले। आगे बात करते हैं उपज बढ़ाने के तरीके कौन कौन से थे, किसानों ने कौन कौन से तरीके ढूंढे। उससे पहले बात कर लेते हैं धान की रोपाई। धान का मतलब होता है चावल। चावल की रोपाई उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पानी बहुतायत में पाया जाता है, यानी पानी जहाँ बहुत मात्रा में पाया जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल में, केरल, कर्नाटक में पानी पर्याप्त मात्रा में, यहाँ पे धान की खेती की जाती है। जैसे पंजाब, हरियाणा के अंदर नहरें हैं तो वहाँ पे धान की, यानी चावल की खेती की जाती है। इसमें पहले धान के बीज अंकुरित करके पानी से भरे खेतों में पौधों की रोपाई की जाती है। चूंकि ज़्यादा मात्रा में पौधे बच जाते हैं, ऐसे धान की उपज बढ़ जाती है। यानी धान की उपज पानी में रोपाई करके की जाती है। अब उपज बढ़ाने के तरीके की बात करते हैं। उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था। यानी हल का प्रयोग किसानों ने शुरू कर दिया था, जो 6वीं शताब्दी ईस्वी से पूर्व गंगा कावेरी की घाटियों के उर्वर कछारी क्षेत्र में फैल गया था। यानी गंगा घाटी और कावेरी की घाटी, इन बड़ी नदियों की घाटियों में जो किसान खेती करते थे, वो हल का प्रयोग करने लगे। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी, यानी जहाँ पे अच्छी वर्षा होती थी, वहाँ लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी। यानी लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग करके खेतों के अंदर जुताई करने लगे, उत्पादन जिससे बढ़ने लगा। इसके अलावा गंगा घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि हुई, यानी अच्छा उत्पादन होने लगा किसानों के। किसानों को इसके लिए कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी, यानी बहुत ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ती, तब जाके उत्पादन अच्छा होता था। यद्यपि लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी, लेकिन ऐसे हलों का उपयोग उपमहाद्वीप यानी भारत के कुछ ही हिस्सों में था और सीमित था। अब बात करते हैं आगे, पंजाब और राजस्थान जैसे अर्धशुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं शताब्दी यानी सदी में शुरू हुआ। यानी यहाँ पे कम ही शुरुआत थी, क्योंकि पंजाब में कुछ हिस्सा अधिकतर रेगिस्तान है और राजस्थान में तो अधिकतर बहुत अधिक क्षेत्र शुष्क यानी अर्धशुष्क यानी रेगिस्तानी इलाका है, जहाँ पे लोहे का प्रयोग कमी करते थे। जो किसान उपमहाद्वीप यानी भारत के पूर्व और उत्तर के मध्य में पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, उन्होंने खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया। यानी कुदाल का उपयोग खेती करने के लिए उन्होंने शुरू कर दिया था, जो इलाके के लिए कहीं अधिक उपयोगी था। कुदाल का मतलब होता है फावड़ा होता है, यहाँ पे कुल्हाड़ी नहीं होता है। उपज बढ़ाने का एक और तरीका था कुओं, तालाब और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना। यानी किसान अब कुएं के माध्यम से कुएं खोदने लगे, तालाब बनवाने लगे और कहीं कहीं नहरें बनाकर सिंचाई का कार्य करने लगे, जो नदियों के माध्यम से नहरें बनती थी। व्यक्तिगत लोगों और कृषक को समुदाय ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए। व्यक्तिगत तौर पर तालाब, कुएं और नहरें जैसे सिंचाई साधन निर्मित करने वाले लोग प्राय राजा या प्रभावशाली लोग थे, जिन्होंने अपने कामों का उल्लेख अभिलेखों में करवाया। यानी व्यक्तिगत वही लोग कुएं या तालाब खुदवा सकते थे जिनके पास धन संपदा अधिक होती थी। यानी साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था, तो ये राजा या प्रभावशाली व्यक्ति कर सकते थे। आगे बात करते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति में आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। यहाँ से आपके प्रश्न बनता है, मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे विधि ग्रंथ है। विधि ग्रंथ का मतलब होता है विधि यानी कानून। कानून का ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति सबसे प्रथम। इसे संस्कृत भाषा में 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 2वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में लिखा गया। लगभग 400 साल लगे इसको लिखने में। इस ग्रंथ में राजा को सलाह दी गई है, क्योंकि सीमाओं की अनभिज्ञता के कारण विश्व में बार बार विवाद पैदा होता है, इसलिए उसे सीमाओं की पहचान के लिए गुप्त निशान जमीन में गाड़ कर रखने चाहिए। यानी राजा महाराजा अपनी सीमा के लिए अधिकतर लड़ते रहते हैं, तो उनको अपने सीमा का निशान बना के रखना चाहिए कि यहाँ से इस राजा की सीमा है, यहाँ से इस राजा की। इसके अलावा जैसे पत्थर, हड्डियाँ, गाय के बाल, भूसी यानी घास, राख, खपटे, गाय के सूखे गोबर, ईंट, कोयला, कंकड़, रेत, इसे सीमाओं पर इसी प्रकार के तत्व और भूमि में छुपा कर गाड़ने चाहिए, जो समय के साथ नष्ट न हो, जिससे राजा की सीमा का पता लग सके। आगे बात करते हैं ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। यद्यपि खेतों की इन नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी, लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था। कहानियों में, विशेषकर बौद्ध कथाओं में, यानी गौतम बुद्ध संबंधित कथाओं में, भूमिहर, खेतीहर, भूमिहीन खेतीहर यानी जिनके पास खेती नहीं होती थी, श्रमिक होते थे, छोटे किसान जिनके पास भूमि तो होती थी लेकिन छोटी होती थी,
बड़े बड़े जमींदार जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें होती थी का उल्लेख मिलता है पाली। यहाँ से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि पाली भाषा में गहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। इंपोर्टेंट लगा ले और लिख ले, बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इंपोर्टेंट बना के लिख ले इसको। पाली भाषा में गहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, प्राय किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का पद प्राय वंशानुगत होता था, यानी गाँव का जो मुखिया होता था उसका पद वंशानुगत, उसके बाद उसका लड़का ही ग्राम प्रधान बनता था। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गाँवों में रहने वाले विभिन्न वर्गों का उल्लेख मिलता है। तो इसको भी इम्पोर्टेंट करके लिख ले कि कौन सा साहित्य में गाँव में रहने वाले विभिन्न वर्गों का उल्लेख मिलता है। तो तमिल संगम साहित्य में जैसे वेल्लालर या बड़े जमींदार, बड़े जमींदार को वेल्लालर कहते थे। हलवा या उलवर, हलवा को उलवर कहा जाता। दास अणिमाई, दास और अणिमाई, यह संभव है कि वर्गों की या विभिन्नता भूमि के स्वामित्व श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित हो। ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया, जिसकी चर्चा प्राय विधि ग्रंथों में की जाती है। यानी विधि ग्रंथों में ऐसी बहुत सारी बातें लिखी गई किसानों के बारे में। गहपति का विस्तृत अर्थ दे रखा है। गहपति, गह यानी घर और पति यानी मुखिया, यानी गहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली महिला, बच्चों, नौकर और दासों पर नियंत्रण करता था। घर से जुड़े भूमि, जानवर या अन्य सभी वस्तुओं का मालिक होता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्ति और व्यापारियों के लिए भी होता था। आगे बात करेंगे भूमिहीन नए सम्राट किसान के बारे में। कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू।